था पुष्पा जी? तेजस बच्ची, सारंग अभी भी जाल से निकल गया। थैंक्स पुष्पा जी, उसे पकड़ने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। सुनिए, आप उसे पहचान लेंगे कि हम लोग आए? नहीं नहीं पुष्पा जी, मैंने देखा है उसे, और वैसे भी ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है, हमें नहीं पता ना वहाँ कौन कौन होगा। मैं आप सबकी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, अब बस मेरे कॉल का इंतजार करना। जी। गाड़ी साइड में लो। मनोज। यस मैम। यहाँ से पैदल चलते हैं। जी मैम। और सुनो, तुम यही रुकना, जब मैं फोन करूंगी तब वहां पहुंच जाना। भाई एक काम कर, आज की रात मेरे घर पर रुक जा, वहाँ तो सेफ है, सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। और अगर सुबह की ट्रेन भी छूट जाए तो दोपहर के पकड़ लेना सारा। कुछ नहीं पुलिस, आप लोग अपना काम कीजिए। मंजित का नंबर दे जिसने तुझे मारने की सुपारी ली है। मेरे पास नहीं है। तो बोल। मेरे पास 9820। शर्म नहीं आती तुझे? खून करता है, छोटी बच्ची को डराता है। मिल गया कर्मों का फल, जिस इंसान के लिए तूने ये सब किया है ना, उसी अंशुमन बजाज ने तेरी सुपारी दी है उस मंजित को। ये सब आपको कैसे मालूम? जो आदमी तेरे घर प्लम्बर बन के आया था वो हमारा एक कॉन्स्टेबल था। काम के बहाने वो तेरे घर आया, ट्रांसमीटर फिट किया और चला गया। अब सोच और बता आगे क्या करना है, उस मंजित के हाथों मरना है या सरकारी गवाह बनकर खुद को बचाना है? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। मंजित को फोन लगा और उसे वो सारंग तुझसे मिलने आने वाला है। कौन? हेलो, कौन? मंजित भाई, माचिस बोल रहा हूँ। हाँ बोल। सारंग भाई का फोन आया था अभी, और उसे पता चल गया कि बजाज साहब ने आपको मारने की सुपारी दी और वो फरार होने वाला है यहाँ से। और उसने मुझे भी फोन किया था, यहाँ पर ढाबा पे मिलने के लिए बुलाया, बस यही बताने के लिए फोन किया था। मनोज अपनी गाड़ी यहीं बुलवा लो, और कांस्टेबल तुम इसे लेकर ऑटो से जाओ पुलिस स्टेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन लिखना हो। जल्दी से गाड़ी ढाबे पे भेजो, जल्दी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, तो यहां से सीधा अपने बाइक से जाएगा, वहां मंजित तुझे मारने के लिए तैनात होगा। जैसे ही वो मंजित तुझे मारने के लिए आगे आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। We'll be right back.
फोटो भेजा है, देखकर डिलीट कर देना। अब मुंबई से गायब हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मिसेस पटेल को अंदर भेजो। मे आई कम इन सर? या कम इन मिसेस पटेल। हैव अ सीट मिसेस पटेल। इतने शॉर्ट टाइम में हमारी कंपनी के प्रति आपकी निष्ठा और ईमानदारी देखकर मैं सोच रहा हूं कि आपको और जिम्मेदारी दी जाए। श्योर सर, आई विल बी ऑनर्ड। गुड। सो आज से ईंटों के कंसाइनमेंट के रूट्स आप डिसाइड करेंगे। मिसेस पटेल, इतने सारे एम्प्लॉयज पे अकेले नजर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, पर मिसेस दीप्ति, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब ईंटों वाले प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ट्रस्टिंग मी। वेलकम, यू मे गो नाउ। मैम, मैंने बजाज सर के केबिन में पूरी तरह से छानबीन कर ली है, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और एक और बात, बजाज सर ने मुझे ईंट वाले प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। सारंग खत्री के जगह मुझे ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, रूट्स, ये सब कुछ देखना होगा। आई एम वेरी स्कैर्ड मैम, कहीं ये लोग सारंग खत्री के जगह मुझे तो रख सकता है का फेस तो नहीं बना रहे। आई डोंट थिंक सो दीप्ति, उसके इतने बड़े दो केसेस एक्सपोज हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना ड्रग सप्लाई का काम ईंटों के जरिए करेगा। और वैसे भी पुलिस की नज़र उसके ट्रक्स पर है। और दूसरी बात, तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप कर शायद वो अपनी इमेज क्लियर करना चाहता हो, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल दीप्ति। इस वक्त बजाज क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और ड्रग सप्लाई का कौन सा नया तरीका वो अपनाने वाला है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो अपने अपने कान, अपना दिमाग सब खुला रखना। एंड प्लीज लेट मी नो इफ एनीथिंग अनयूजुअल कम्स अप। ओके? ओके मैम। हाय डैड, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं भी ठीक हूँ। अब बस 47 डेज रह गए हैं आपके रिहाई के लिए। तुम लोग ठीक हो? तेजस्वी ने मुझे बताया। मैं उनके साथ ही आने वाली थी, लेकिन उनको कोई काम आ गया तो वो बिजी हो गई। तुझे कुछ बताना था? दीप्ति वहां क्या कर रही है? अंशुमन बहुत खतरनाक आदमी है, किसी केस में दीप्ति को फंसा दिया तो? दीप्ति ये बात अच्छे से जानती है दिलीप, और हम भी समझते हैं, लेकिन तेजस्वी जी हमारे साथ और वो दीप्ति पे नजर रखे हो, हम सब कुछ सावधानी से कर रहे हैं, चिंता मत कर। तू तेजस्वी जी को कुछ बताने वाला था अंशुमन के ड्रग के मामले? मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देख, मुझे ऐसा लगता है कि अंशुमन ये कारोबार अकेला नहीं कर सकता। इतने कम टाइम में इतना ऊपर कोई नहीं पहुंच सकता, और भी कोई है उसके ऊपर, उससे भी ज्यादा खतरनाक। पुष्पा, ये धंधा कितना खतरनाक हो सकता है ये तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं। कितनी भी सावधानी रख लो, कब क्या हो जाए कोई नहीं बोल सकता। टाइम हो गया, चलिए।
अपना ध्यान रखना, खास करके स्वरा का, वो अभी भी सेफ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी एम्बुलेंस नहीं है? सारी की सारी एम्बुलेंस एक साथ बिजी कैसे हो सकती है? पिछले 40 मिनट से राह देख रहा हूँ, मेरी दादी सीरियस है, इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, कहाँ जाएंगे हम जैसे लोग, गाड़ी थोड़ी होती है हमारे पास। सेठ आप ही कुछ कीजिए, जितनी जगह फोन किया सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है अभी। अरे लेकिन क्या हुआ? अरे अचानक पूरे शहर में एम्बुलेंस की कमी हो गई है, एक भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखना कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता। तो फिर क्या कारण होगा? पता नहीं, तेरा मैं से काम कर, एम्बुलेंस एसोसिएशन के ऑफिस जा और पता कर कि चक्कर क्या है। वैसे तो हॉस्पिटल की खुद की एम्बुलेंस होती है, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल का क्या है, वो थर्ड पार्टी के साथ टाई अप होता है। उधर जाके देख कि माजरा क्या है। देखता हूं। जा। ना कोई दुर्घटना हुई ना महामारी, फिर भी एम्बुलेंस की शॉर्टेज, ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने पहले। क्या ये भी किसी तरह कनेक्टेड है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.